हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उसमें आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहाँ पर टाइम से मिलता है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये एडमिट कार्ड पे जो कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो बताऊँगी, बाकी जो एडिशनल आपको इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है वो मैं सारे बताने वाली हूँ। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं एडमिट कार्ड पे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा है कि परीक्षा हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को बॉल पॉइंट आपको जो पेन होगा वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलेगा, तो आपको कोई पेन पेंसिल लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभ्यर्थी इस प्रवेश पत्र के साथ ही आवेदन आपने जो मतलब आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ साथ आपने जो अपनी फ़ोटो अपलोड की होगी एप्लीकेशन फॉर्म में वो लेके जानी है, और अपना आइडेंटिटी कार्ड भी एक लेके जाना है साथ में। ठीक है, कोई मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, घड़ी, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है, और जब इस शीट में आप आंसर अपने टिक करोगे उसमें से जो आपकी कार्बन कॉपी होगी वो आपको लेके आनी है, लेकिन आंसर शीट आपने सबमिट करनी है। और आपने कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष को परीक्षा संपन्न होने से पहले पूर्व नहीं छोड़ेगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम कम्प्लीट नहीं हो जाता तो उससे पहले आप अपने एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगी आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई थी हमारे एडमिट कार्ड पे क्या लिखा है। देखो, सबसे पहली जो आपको इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी वो यही है कि अपने एग्जामिनेशन हॉल में, आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस पर टाइम से पहुँच जाना, 15 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाना। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो आपको स्टार्ट होगा उससे 15 मिनट पहले पहुँच जाना, अपने रूम को अच्छे से चेक कर लेना, देख लेना आसपास कोई चीटिंग मटेरियल किसी ने कुछ नहीं तो डाला है, और साथ साथ अपने रिलैक्स मोड में आराम से बैठ जाना। ठीक है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये होगा कि अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना, और साथ ही साथ एक उसकी फोटोकॉपी भी डाल लेना, इन केस एडमिट कार्ड को कुछ हो जाता है, एडमिट कार्ड गुम जाता है, कुछ भी हो जाता है तो सेकेंड वाला आपके पास होगा जिससे आपको एंट्री मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जानी है जो आपने अपने फॉर्म पे लगाई थी, वो सेम फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। आइडेंटिटी कार्ड बोला है तो आप अपना आधार लेके जा सकते हो, उसके आपको वहाँ पे चेकिंग के टाइम पे वो आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको लेके जाने हैं, पेन लेके नहीं जाना है, वहीं से प्रोवाइड करा जाएगा, कोई भी आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेके जानी है। ठीक है, बात करें कि आपने क्या लेके नहीं जाना है, तो देखो आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे आपके स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, आपके फ़ोन हो गया, आपके ईयरबड्स हो गए, ऐसे कोई भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपने लेके नहीं जाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो रूम है आपका एग्जामिनेशन रूम उसको छोड़ के नहीं जाना है इन बिटवीन द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम के बीच में छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम कम्प्लीट हो जाएगा अपनी वो मार्कशीट को सबमिट करना है, और उसके बाद में अपने रूम को वन बाय वन जब मैम इंस्ट्रक्ट करती, सर इंस्ट्रक्ट करते हैं तब आपने रूम को छोड़ना है। वॉच पहन के नहीं जाओगे, लेकिन वहाँ पर टाइम के लिए मैम होंगे, आपकी क्लॉक वॉच होगी, वॉल क्लॉक होगी, तो उससे आप टाइम देख सकते हो। ठीक है, बात करें ड्रेस कोड की, तो देखो ड्रेस कोड को स्पेसिफिक तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सिंपल और डिसेंट बन के जाने की कोशिश करना। ठीक है, सिंपल बॉयज़ के लिए क्या है, कोई भी आपके जो लोअर्स होते हैं, गर्ल्स भी अगर जो लोअर्स पहनती हैं तो वो लोअर पहन के जाइए। ठीक है, और अपने सिंपल लूज टी शर्ट पहनो, हाफ स्लीव्स की लूज टी शर्ट बॉयज़ और गर्ल्स अपने पहन सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं पहनते सूट वेयर करते हैं तो वो सूट सिंपल सा कुर्ती और अपने वेयर कर सकते हो। बाकी गर्ल्स के लिए सिंपल पोनी टेल बनाओ, कोई भी ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी स्टाइल दिखाने के लिए कोई भी स्पेक्ट्स हो गए कलरफुल से ऐसे लगा के मत जाना। हाँ, किसी की आईसाइट वीक है उनको तब लग रखा है तो वो लगा के जाओ। ठीक है, वॉच पहन के नहीं जाना है आपने, कोई ज्वेलरी गर्ल्स के लिए स्पेशली पहन के मत जाना। ठीक है, वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही आपसे निकलवा सकते हैं। बाकी आपने बहुत मतलब सिंपल डिसेंट बन के जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना, और कपड़े वो पहन के जाना जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। हाँ, वाटर बॉटल ले जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट जिसमें आपका आर पार दिखे, ठीक है, वो बॉटल आप लेके जा सकते हो अपने साथ पानी की। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। अब मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, क्या ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, क्या आपने नहीं करना है। तो आई होप कि वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा अपने एग्जामिनेशन हॉल में आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई मिस्टेक मत करना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जब भी अपनी ओएमआर शीट को फिल करोगे, जो आपका डेटा फिल करोगे ऊपर का,
उसमें खास ध्यान देना, कोई मिस्टेक मत करना, कहीं समझ में नहीं आता है तो जो मैम या सर होंगे उनसे पूछ लेना, लेकिन गलत फिल मत करके आना, ठीक है। बाकी तो आपने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए होंगे 10th 12th के, तो फिल किया होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता होगा फिल करना। अगर कहीं पर नहीं आता है, कोई डाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, पूछ लो, लेकिन गलत फिल करके मत आना ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, ये एडमिट कार्ड एग्ज़ाम होने के बाद में आपने फेक नहीं देना है, इसको संभाल के रखना है अपनी काउंसलिंग तक के लिए, क्योंकि काउंसलिंग में भी एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम में जो एडमिशन होगा उस टाइम पे भी आपसे ये मांगा जा सकता है, तो उसको संभाल के रखना। कोई और डाउट रह जाता है तो पूछ लेना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बने रहना। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उन पर अपना प्यार दिखाया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। Thanks and have a nice day.